सब्सक्राइब करें गार्निंग बॉय यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल का आइकन ताकि आपको हमारी सारी वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा प्लांट कैलेंडुला का है। तो दोस्तों, आज हो गई है मार्च की 31 तारीख और हमारा जो प्लांट है उस पे जो सीड हैं वो तैयार हो गए हैं। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम अपने कैलेंडुला के सीडों को कलेक्ट करें एक नेक्स्ट सीजन के लिए। तो देखिए, जब फ्लावर का टाइम पूरा हो जाता है तो फिर देखिए सीड बनने शुरू हो जाते हैं। देखिए, अभी ये ग्रीन कलर के हैं तो हमको इनको नहीं निकालना है, हमको वही सीड लेने हैं जो येल्लो हो गए हो या फिर बिल्कुल ब्राउन कलर के हो जाएं, तभी हमें उन्हें निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये जितने ग्रीन वाले हैं, आप इनको इसी पे लगा रहने दें, इसे तोड़ के ना रखें। तो ये देखिए, ये हमारा है जो कि पूरी तरह से तैयार हो गया है। ऐसे सीडों को हमको निकाल लेना है। तो देखिए, ये देखिए, इसमें पूरी तरह से जो है कि हमारे जो सीड हैं ये तैयार हो गए। पहले से हम तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद दिखाते हैं आपको किस तरह के इसके सीड होते हैं। देखिए, जैसे जीरा होता है उसी टाइप के लगते हैं ये, गोल गोल जैसे कीड़ा कोई हो, पर ये कीड़े नहीं है, ये इसके सीड हैं, देख सकते हैं आप। तो यही सीड है इसके, इसको हमको रख लेना है और हमारे को नेक्स्ट सीजन में फिर से हम इनको ग्रो कर सकते हैं, हमको मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के इनके सीड रहते हैं। तो आप इनको किसी ऐसी जगह पर रख लीजिए जहाँ पे नमी वाला इलाका ना हो। तो इनको किसी कागज़ में करके और किसी पोलोथीन में डाल के आप रख सकते हैं इनको, तो हमारे नेक्स्ट सीजन के लिए काम आएंगे ये। तो मैं भी सारे जो सीड है अपने कलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट सीजन के लिए रखूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।